अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट कर्मा जो है ना वो कैसे इंक्रीज करना है। कमेंट कर्मा का मैंने बताया कि मिनिमम 50 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 50 हो जाए फिर आपने छोड़ देना उसको, कमेंट कर्मा इंक्रीज करना। फिर पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना है अपना, और वो है 100 एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपके जो है ना 15 से 20 पोस्ट ऑन डिफरेंट सबरेडिट, ठीक है, ये 15 to 20 पोस्ट आपके डिफरेंट सबरेडिट पे होनी चाहिए। ओके जी, अब हमने पोस्ट कर्मा का देखना है। पोस्ट कर्मा के लिए आपके पास एक और साइट है साथ में, ये काफी ओल्ड मेथड है, मैं इसको यूट्यूब के अंदर भी लोगों को समझाता रहा हूँ कि आप कर्मा डीके एक यूज करें, और आप जो है ना यूनिक पोस्ट करने के लिए वेबसाइट आपने यूज करनी है, ठीक है। पहले स्टफ जो ऑलरेडी है उसको ये मतलब देख लेना है कि जो आप पोस्ट करने जा रहे हो वो ऑलरेडी पोस्ट यहाँ पर है या नहीं है। अब हम एक और साइट है redditlist.com, ठीक है। अब redditlist.com के अंदर आपको कुछ सब्सक्राइबर या सबरेडिट्स अब नजर आएंगे, ठीक है, जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर के साथ, वो आपको साथ बता रहा है कि जी किसके कितने मिलियन से सब्सक्राइबर हैं। अब फनी है, आस्क रेडिट है, टुडे है, लर्नड है, 17 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर है, वर्ल्ड न्यूज है, और उसके बाद ये वो इतने ज्यादा ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। अब साथ में वो बता भी रहे हैं कि ग्रोइंग में कौन कौन से आ रहे हैं, ये सब रेडिट्स भी आपको नजर आ रहे हैं कि इतने इतनी यानी की है, और इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर रिसेंटली एक्टिविटी किस किस के अंदर है, ये आस्क रेडिट, पॉलिटिक्स, डोनाल्ड, फिक्स न्यूज, ये वो सनी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनके ऊपर पोस्ट कर्मा इंक्रीज करने के लिए आपने नीचे जाना है और जिनकी 10 से कम है, 10 मिलियन से कम जिनके ऊपर क्या उसको कहते हैं 10 मिलियन से कम जिनके सब्सक्राइबर है उनके ऊपर आप पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक WTF है इसके ऊपर, और उसके बाद पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट कर्मा इंक्रीज करने के लिए। और इसके बाद मजीद अगर आप नीचे जाओगे तो ट्रीज है, और ओवरवॉच है, एंड्रॉयड है, गेम्स है, जो मेरा सबसे अच्छा मतलब सबरेडिट है जहां पर मैं पोस्ट कर्मा मोस्टली इंक्रीज करता हूं वो है ऑफ, ठीक है। मैं मोस्टली इसी सबरेडिट पे पोस्ट करके जो है वो अपना कमेंट कर्मा इंक्रीज करता हूँ। सिंपल है, इसके ऊपर तो काफी सब्सक्राइबर अब हो गए हैं, पहले कम थे और ज्यादा लोग बैठे भी नहीं होते थे, लेकिन अब काफी ज्यादा ये भी एक्टिव सबरेडिट है, लेकिन स्टिल आप इसके ऊपर काम करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हो और अपना पोस्ट कर्मा इंक्रीज कर सकते। एक ही पोस्ट आपको अगर वायरल हो जाती है तो आप उससे 100 के आप थाउजेंड ऑफ पोस्ट कर्मा इंक्रीज कर सकते हो। एक और भी सबरेडिट है, मैं सबरेडिट भी लिख देता हूँ कि कौन कौन से किसके ऊपर आप काम कर सकते हो, किस पे स्टार्ट में पोस्ट कर्मा, पहला है AWW, ठीक है, दूसरा है फ्री पोस्ट कर्मा, फ्री कर्मा फॉर यू, मैं एक मिनट देखता हूँ अभी फॉर यू कैसे है, ऐसे है या कैसे है, ठीक है, वो मैं अभी देख लेते हैं। फ्री कर्मा फॉर यू, ठीक है,
यहाँ पर भी आप आकर अपना पोस्ट कर्मा जो है ना इंक्रीज करवा सकते हैं, प्री कर्मा फॉर यू। और यहाँ पे पोस्ट करें, आपको 10-12 पोस्ट कर्मा यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। और भी है एक, वो भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। फ्री कर्मा फॉर यू ये भी है एक, और दूसरा भी है, ठीक है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर आकर आप अपना फ्री कर्मा जो है ना इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। फ्री कर्मा फॉर यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सिर्फ लिखना है अपनी पोस्ट करें, सिंपल। नीड कर्मा टू पोस्ट ऑन डिफरेंट सब रेडिट, ठीक है। लिंक लिख दें, टाइटल लिख दें, ठीक है। अब उनकी जो पोस्ट आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह की पोस्ट यहाँ पर करनी है, तो आप पहले जो पोस्ट है उस तरह की देख लें। इमेजेस ज़्यादातर अपलोड की हुई हैं, तो आप भी कोई इमेज लेकर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। अब इमेज कैसे सर्च करनी है आपने, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि आपने इमेजेस, हर सबरेडिट के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, अगर हम उनके रेगुलेशन के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। आपने लिखना है क्यूट कैट, ठीक है। इसमें से कोई भी आप या रिसेंट वाली कोई चूज कर लें, ठीक है। रिसेंट के लिए आपने क्या करना, टूल्स पे क्लिक करें और उसके बाद टाइम के साथ जाएं और पास्ट 24 आवर में जो ज्यादा आपको अच्छी लगती है क्यूट कैट्स, वो आप पोस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं और इसको आप ओपन करो। अच्छा, ये फेसबुक पे आ रही है पिक्चर, तो मैं इसको पहले अपने पास सेव कर लूंगा। या कोई और देख लेते हैं हम साथ। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अच्छा, समझ आ रही है, साथ साथ मुझे जरा अपडेट भी करते रहा करें ताकि आइडिया हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, अब पोस्ट हम कर रहे थे, यहाँ पर आकर आपने अपलोड कर देनी है डायरेक्ट ही। अब जरूरत नहीं है आपको IMG UR यूज करने की, ठीक है। डायरेक्ट रेडिट ने भी हमें ऑप्शन दे दी है पोस्ट करने की, तो आप हम इसी को यूज करके पोस्ट कर इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह की आप पोस्ट टाइटल लिख दें और साथ में आई एम नॉट और अबाउट पे क्लिक कर दें, फिर आप इसको सबमिट कर दें। अब
बीए सबमिट हो जाएगी, तो इसके लोग काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को अपवोट करने के लिए, ठीक है। तो आपकी भी पोस्ट को अपवोट मिलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि आप फ्री कर्मा फॉर यू जो एक सबरेडिट है वहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको मैं जाकर देखता हूँ कि ये मेरी पोस्ट नजर आ रही है। आपने जब भी पोस्ट करनी है, पोस्ट को करने के बाद आपने उसको न्यू में चेक करना है लाजमी कि ये जो पोस्ट आपने की है ये नजर आ रही है या नहीं। तो ये नजर आ रही है, ठीक है। कुछ सेकंड बाद मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि सब रेडिट्स किसी भी पोस्ट करेंगे तो वो सबसे पहले न्यू में आएगी, फिर राइजिंग में और फिर हॉट में, ठीक है। तो आपने न्यू में चेक करना है, न्यू में शो हो रही है तो ऑब्वियसली ये शो हो रही है और इसके ऊपर आपको कर्मा इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अभी 2039 लोग जो है ना बैठे हैं, तकरीबन 3000 के करीब लोग हैं, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी पोस्ट कर्मा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक मैंने आपको बताया कि AWW मेरे लिए फेवरेट है, मैं खुद इस पे बड़ी दफा काम कर चुका हूँ, करता भी हूँ। इसके सब रेडिट्स और भी हैं, जैसे वॉलपेपर है और इसके बाद गिफ्ट है, ठीक है। इसी तरह के सब रेडिट्स हैं, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। कैट्स है, डॉग्स है, ठीक है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। स्टार्ट में आपने फनी न्यू वगैरह पे, फनी या पिक्स वगैरह पे काम शुरू नहीं कर देना, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रिक्शंस होती है और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा जल्दी। आपने स्टार्ट में इन्हीं जो पोस्ट करने के जो मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर ही काम करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्यूट टाइप की पिक्चर चाहिए। अगर आपने मतलब देखे ये जो सबरेडिट है इसके ऊपर लिखा हुआ है दैट थिंग दैट मेक यू ऑ, ठीक है, और पपीज बनीज बेबीज सो ऑन, इस तरह की क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको पोस्ट कर्मा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगेन रूल्स आपने पढ़ लेने हैं, जैसे उन्होंने लिखा है नो सैड, किसी किस्म की सैड कॉमिक पोस्ट टाइटल अपवोट के लिए नहीं मांगना। रूल्स जो है ना उनके पढ़ के उसको आपने फॉलो करना है लाजमी, ठीक है। अब इसके लिए आपने कोई इमेज ढूंढनी है तो अगेन आप गूगल में आए, गूगल में आकर टाइप करें क्यूट कैट्स, ठीक है, या क्यूट डॉग्स या क्यूट बेबीज, ठीक है। उनको करने के बाद आपने उसको क्या करना होता है, पास्ट 24 आवर्स में करके और चेक करें उसमें आपको सबसे बेहतरीन कौन सी लगती है, ठीक है, सबसे बेटर या सबसे प्यारी आपको कौन सी लग रही है, उसको आप जो है ना कंसिडर करें और उसके ऊपर आप उस पोस्ट उस इमेज को आपने आगे लगाना है। लाइक ये मुझे इमेज कुछ अच्छी लग रही है तो इसको मैं देखता हूँ। अब ये इमेज आपने एक सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को आपने कर्मा डीके जो मैंने एक साइट आपको पहले बताई है उसके अंदर जाकर आपने इसको चेक करना है कि ये पोस्ट कहीं पहले तो नहीं किसी ने की, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है और कर्मा डीके जो मैंने साइट आपको बताई है उसके यूआरएल के जगह जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सर्च करेंगे तो आपको मतलब नजर आ जाएगी कि नीचे उसने रिजल्ट्स बता देगा, नो वेरी सिमिलर इमेजेस वर फाउंड ऑन रेडिट, मतलब रेडिट के ऊपर इस तरह की पहली इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे वो कह दे कि दिस मैच विद दिस पिक्चर तो आपने उसको अपलोड नहीं करना। मतलब ये हमें एक अच्छी पिक्चर यहाँ से मिल गई है, अब इसको हमने क्या करना है, AWW के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। अब सबमिट लिंक, ठीक है, चूज अ फाइल अ ड्रॉप, पहले हम इसको सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, और इसको हम यहां से अपलोड कर देंगे डायरेक्ट।
माई मेलन, ठीक है, ये आ रहा है। अब इमेज के साथ जो है ना, इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एक किस्म का अगर देखें, जो पहले टाइटल लिखा हुआ है वो भी समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा है, मतलब अगर आप करें तो वो एक अच्छा टाइटल है। फिर आपने यहाँ पर लिखने, वही टाइटल मैं लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं, लाइक आप कर सकते हो कैट विद क्यूट कैट विद मेलन, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। या मजीद अगर आप अच्छा करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगेन आपने फिर इसको जो कैप्चर है वो फिल करना है। अब वो कह रहा है जी कार्ड्स, सेलेक्ट इमेज विद कार्ड्स, ये है और ये है और उसके बाद ये भी है, और हम इसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, स्ट्रीट साइंस, ये नेक्स्ट क्या कहता है, अगेन स्ट्रीट साइंस। ये बहुत अजीब से अब इन्होंने ना कैप्चा भी फिल करना पड़ता है, अदरवाइज पहले दूसरी टाइप का कैप्चा था वो इजीली फिल हो जाता था। ठीक है, अभी 3 मिनट वेट का कह रहा है, आप एक पोज करने के बाद आपको 10 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर यहाँ पर पोज करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर पिक्चर ढूंढने के बाद यहाँ पर पोज करें, और देन जो है ना, आप अगर आपकी पोस्ट इस काबिल हुई कि उसको लोग लाइक करेंगे तो आपका पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है पोस्ट कर्मा आपने कैसे इंक्रीज करना है। काइंडली अपडेट करें ताकि मैं प्रोसीड करूं। ओके गुड। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिया करें, साथ साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर लिया करें। और रेडिट के बारे में एक चीज मैं थोड़ा सा आपको मजीद बता दूं कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इस ट्रेनिंग के अंदर जो चीज मैं बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, अब उसको काइंडली अपने तक महदूद रखें, उसको ज्यादा ना फैलाएं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आपकी आपका भी नुकसान होगा और फिर बाकियों का भी नुकसान होगा। मैं तो किसी ना किसी तरह इसके ऊपर काम कर ही लूंगा, जितनी मर्जी स्ट्रिक्टनेस हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिमिटेड लोगों को या ये जो है ना ट्रेनिंग दे रहा हूँ।